बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर इन दोनों अपनी फिल्म वन डे जस्टिस डिलीवर्ड के प्रमोशन में लगे हैं। बॉलीवुड फिल्म वन डे जस्टिस डिलीवर्ड 5 जुलाई को पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री ईशा गुप्ता मुख्य रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशन अशोक नंदा और निर्माण केतन पटेल, कमलेश सिंह और स्वातिक सिंह ने किया है। बता दें कि अनुपम खेर फिल्म की प्रमोशन के लिए पीएम मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीर अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा, प्यारे प्रधानमंत्री जी, आपसे मिलना गर्व की बात है। देश को लेकर आपका विजन अस्वस्थ करता है। आपके प्रेरणादायक शब्द मेरे लिए एनर्जी के सोर्स हैं। भगवान करे आप इसी तरह हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। पीएम मोदी के साथ अनुपम खेर की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। एक तस्वीर में अनुपम खेर के हाथ में एक किताब नजर आ रही है। उन्होंने 3 तस्वीरें शेयर की जिसमें वह पीएम के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बता दे कि अनुपम खेर की पत्नी चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद हैं। अनुपम खुद बीजेपी समर्थक हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो अनुपम आखिरी बार द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नजर आए थे। इस फिल्म में अनुपम खेर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रोल में नजर आए थे। फिल्म में मनमोहन सिंह के रोल में अनुपम खेर ने किरदार को इस तरह पकड़ा था कि असल और नकल में फर्क करना मुश्किल हो गया था। अनुपम खेर को इस प्रोफेशन के लिए बेहद तारीफ मिली थी। अब जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की बात करें तो ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में अनुपम एक रिटायर्ड जज के रोल में है। उनके साथ ईशा गुप्ता भी है। ईशा इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में दिखेंगी। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।